हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो लड़कों के लिए बहुत बहुत खास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं 7 ऐसे संकेत बताने वाला हूँ जिससे आप पहचान पाओगे कि लड़कियाँ आपको चाहती है या नहीं। ये आराम से देखकर आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे। वीडियो देखने के बाद आपको होगा क्या, तो आप जो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है उसे पहचान कर आप भी सच्चा प्यार कर पाओगे, और कभी भी प्यार में धोखा नहीं खाओगे। क्योंकि अगर आपको संकेत पता है तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे, उस संकेत के मुताबिक आप देखकर समझ पाओगे। तो चलिए 7 संकेत देख लेते हैं। उसमें 7वें नंबर पे वो आपके साथ फ्यूचर प्लान्स बनाने लगती है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग संकेत है। ऐसा क्यों? फ्यूचर प्लान आप किसके साथ बनाते हो? जिसको आप फ्यूचर में रखना चाहते हो, फ्यूचर में आपको वो काम आने वाले, या तो फिर कहीं ना कहीं आपके डॉट उनके साथ कनेक्ट होते हैं। ऐसा हो रहा है तभी आप उनके साथ भविष्य की जो योजना है वो बनाते हैं। अब समझ लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कहीं पे फॉरेन विदेश में जाके आपको कुछ स्टडी करने जाना है, तो वो भी ऐसे कुछ प्लान्स बना दिए कि मुझे भी कनाडा जाना है और मुझे भी वहाँ पे पढ़ना है जहाँ पे आप जाने वाले हो, वो आपको साथ में कंबाइन लगे कुछ प्लान्स बना देती है, तो समझ सकते हैं कि वो एक संकेत है, वो आपके प्यार में है। नंबर 6 पे आप जब भी मिलने को कहे वो आपके लिए अवेलेबल होती है। ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि आपके लिए हर वक्त हर घड़ी अवेलेबल वही रहता है जो आपके बारे में सोचता है, आपकी केयर करता है, आपको चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड हो, इसीलिए वो हर वक्त अवेलेबल रहता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर आपको कहीं पे घूमने जाना हो, या तो फिर आप वो बिजी है और आपको घूमने जाना हो, फिर भी वो आपके लिए हाँ कहती है, और पीछे से आपको समझ में आ जाएगा कि उसका ऑफिस का काम है या तो फिर कॉलेज में कुछ काम है, फिर भी वो आपके लिए आई, क्योंकि वो आपको चाहती है, वो चाहती है कि मैं आपके साथ जो वक्त है वो बिताए। नंबर 5 पे वो आपके प्लान्स पर भरोसा दिखाती है। दोस्तों, किसी पे भरोसा दिखाना ये सीधा सीधा कह देना है कि मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, नहीं तो आप किस पे भरोसा क्यों दिखाएंगे? इसका एग्जांपल समझते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं और आपको पूरे ग्रुप को कहीं पे घूमने जाना है, पूरा ग्रुप अलग प्लान कह रहा है, तब आप कुछ अलग कह रहे हैं, फिर भी वो लड़की आप पे भरोसा जताती है और कहती है आपके पक्ष में कि नहीं, ये सच बोल रहा है, ऐसा ही किया जा सकता है तो ये अच्छा रहेगा, तो ये बहुत ही बड़ा संकेत हो सकता है। नंबर 4 पे आप दूसरे लड़कियों को देखो, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई लड़की आपको पसंद करने लगती है, तब वो चाहती है कि सिर्फ आप उसे देखें, उसे चाहे, उसे पसंद करें, किसी और को ना देखे ना चाहे, और ऐसा करने से उसे जलन भी हो सकती है, उसे तकलीफ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, अगर ग्रुप में आप खड़े, अगर वो कहीं से कोई लड़की जा रही है और आप कुछ कॉमेंट करते हैं, वो बहुत ही अच्छी दिख रही है, क्या बात है, ऐसा कुछ, तब उसका फेस बिगड़ जाता है या तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता, तब समझ लेना चाहिए कि ये एक संकेत है, वो आपको ही पसंद करती है और वो भी चाहती है कि आप उन्हें पसंद करें। नंबर 3 पे आपको हंसाने के हर वक्त कोशिश करती है। ऐसा क्यों? आप किसी को क्यों हंसाएंगे? दोस्तों, कभी सोच कर देखिए, आप उसी को हंसाना चाहते हैं जिसकी खामोशी आपको बर्दाश्त नहीं होती, और खामोशी उसकी बर्दाश्त नहीं होती जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं। अगर आप जब नाराज हो तब बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको खुश करने के तरीके आजमाती रहती है, आपको मुंह पे वो स्माइल देखना चाहती है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा संकेत है, वो आपके प्यार में है। नंबर 2 पे वो आपको जज करती रहती है। दोस्तों, आप किसी को जज क्यों करते हैं? क्योंकि आप उसे पसंद करना चाहते हैं, या तो फिर पसंद करते हैं, या तो फिर उसे देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, इसीलिए भी कई लोग जज करते हैं उसने क्या पहना है, क्या बातें कर रहा है, उसका फेस कैसा है, उसने उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, उसके चलने के ढंग, उसके बोलने के, हाथ पर हिलाने के ढंग, ये सारी बातें लोग ऑब्जर्व करते हैं, तभी करते हैं जब उन्हें पसंद होता है। नंबर 1 पे जो है वो है, वो खुद से ज़्यादा आपकी केयर करती है। ये बहुत ही बड़ा तगड़ा संकेत है। आप खुद से ज़्यादा और की केयर क्यों करेंगे? जब आप खुद से ज़्यादा दूसरों का सोचते हैं, दूसरों का कब सोचते हैं, जब उन्हें पसंद करते हैं तब सोचकर आप उसकी केयर करते हैं। जैसे कि उसको लगा तो वो कहती है ये तो ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ा गांव नहीं है, ये तो हो जाएगा, लेकिन जब आपको लगता है तो वो चिंता करने लगती है, थोड़ा सा भी लगा है तब भी नहीं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये साफ साफ दिखाता है कि वो आपको ज़्यादा पसंद करके आपकी केयर ज़्यादा कर रही है, तब आपको संकेत ये दिख जाना चाहिए।
तो दोस्तों ये थे 7 ऐसे संकेत जिसे आप आराम से पहचान पाते हैं कि लड़की आपको चाहती है, लड़की आपको पसंद करती है या नहीं। दोस्तों 7 में से कोई एक संकेत हो तो मत समझ लेना, लेकिन 3, 4, 5 संकेत दिखते हैं तो आप ज़्यादातर समझ पा सकते हैं कि वो लड़की आपको चाहती है और पसंद करती है। चलिए वीडियो के एंडिंग में अप्रिशिएटिंग कॉमेंट्स पिक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था, ऐसी गर्लफ्रेंड किस्मत वालों को ही मिलती है। उसमें कपिल ने नाइस वीडियो सर, बस ऐसे ही बनाते रहो सर जी वीडियो, और टेक चैंप ने ऑसम करके कमेंट्स किए हैं, दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो को देख रहे सारे GFBF राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।